हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल बाबा के किचन में। आप लोग कैसे हो गए? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही हो गए। आज हम जा रहे हैं रेसिपी बनाने कटलेट और उसके साथ हरी धनिया की चटनी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए दोस्तों, कटलेट बनाने के लिए पहले आलू लेते हैं, फिर इसको धुल के चढ़ाते हैं उबाल करने के लिए। दोस्तों, आलू को अब हम धुलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा आलू धुल गया है। अब इसको हम गैस पर चढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, हमारी आलू पक गई है। अब इसको हम छन्नी में डाल के ठंडा करते हैं, फिर इसको काट के चक्कू से, फिर इसको छील के फिर बनाते हैं। दोस्तों, आलू ठंडी हो गई, अब इसको छीलते हैं। फिर इसके बाद दूसरी तैयारी करते हैं आलू छीलने वाला। आइए दोस्तों, हमारी आलू छिल गई है। अब रेसिपी के लिए उसके लिए क्या क्या लेते हैं? 3 मिर्ची, 2 प्याज, 1 अदरक की गांठ, थोड़ी सी धनिया और आइए दोस्तों, आलू को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आइए दोस्तों, अब हम प्याज काटते हैं। प्याज हम बारीक बारीक काटेंगे क्योंकि इसको कटलेट में बनाना है। देखिए दोस्तों, मेरी प्याज कट गई है। अब 3 मिर्ची लेते हैं, उसको धुल लेते हैं। आइए दोस्तों, जो अदरक की गांठ लेते हैं, पहले उसको धुल लेते हैं। अदरक को घिस लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी अदरक घिस गई है। अब धनिया की पत्ती लेते हैं और उसको धो लेते हैं। दोस्तों, अब धनिया की पत्ती अच्छे से धुल लेते हैं क्योंकि इसके अंदर
अब हम धनिया की पत्ती काटते हैं। बारीक बारीक से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चलिए दोस्तों स्वाद के लिए मैगी मसाला लेते हैं। जिसको मैगी मसाला पसंद है वो डाल सकते हैं। फिर इसके लिए चलिए दोस्तों थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं। फिर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लेते हैं। और थोड़ा सा नमक लेते हैं स्वाद अनुसार। अब इसको मिक्स करते हैं। चलिए दोस्तों इसको मिक्स करने के बाद ब्रेड लेते हैं, फिर सूजी लेते हैं और काटते हैं। आइए दोस्तों चलिए ब्रेड काटते हैं अच्छे से। दोस्तों हमने ब्रेड खोल के रख दिया है। अब चटनी के लिए क्या क्या लेते हैं, दो टमाटर लेते हैं, पहले धुल लेते हैं, इसको काट लेते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अदरक लेते हैं और धुल लेते हैं। इसको घिस लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं। छह हरी मिर्च लेते हैं और इसको धुल लेते हैं। अब इसको डाल लेते हैं। और डंडी तोड़ लेते हैं। चलिए दोस्तों लहसुन की गांठ छील लेते हैं। पांच लहसुन की गांठ ले लेते हैं। इसको छील लेते हैं। चलिए दोस्तों लहसुन की गांठ मिक्सी में डाल देते हैं। अब चलिए दोस्तों धनिया धुल लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं।
मेरे दोस्तों अनुसार अनुसार नमक डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। और चलिए दोस्तों अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और हमारी चटनी अच्छे से पिस गई है। अब इसको कटोरे के अंदर डाल देते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं। चलिए दोस्तों ब्रेड को पानी में भिगोते हैं और इसको तो गाल लेते हैं और इसको जो मिसाल हो इसके अंदर अच्छे से रोल कर लेते हैं। ऐसा बनाइए ऐसे टूटे ना। चलिए दोस्तों ब्रेड काटते हैं। देखिए दोस्तों हमने बिना काट के बनाया है और इसको काट के बनाया है। अब चलते हैं कढ़िया पे, गैस चालू करते हैं, कढ़िया रखते हैं, फिर इसके अंदर रिफाइंड डालते हैं और कढ़िया थोड़ा गर्म हो जाए तब। देखिए दोस्तों हमारा तेल गरम हो गया है। अब थोड़ी सी हम सूजी लेते हैं, इसको थोड़ा सा लगा लेते हैं क्योंकि इससे लगाने से थोड़ा कड़क हो जाए और अच्छा बने और थोड़ा कुरकुरा हो जाए।
चलिए दोस्तों अब इसको कढ़ाई में डालते हैं। और थोड़ा सा लाल हो गया और लाल हो रहा है। देखिए दोस्तों आप इसको घुमा घुमा के देखते हैं लग ना पाए। देखिए दोस्तों कितना लाल लाल हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको निकाल लेते हैं और कितना लाल हो गया। चलिए दोस्तों जो बाकी का है वो उसको डाल ले रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों ये बिना कटिंग वाला जो है देखिए दोस्तों बिना कटिंग वाला हमारा रोल कितना बढ़िया हो गया। देखिए दोस्तों हमारा कितना बढ़िया लाल हो रहा है। देखिए दोस्तों हमारा रंग कितना लाल हो रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने काट के बनाया है और ये बिना काट के बनाया है और हमने सूजी इस तरह लगाया है थोड़ा से निकला भी नहीं और थोड़ा। लीजिए दोस्तों आपके लिए तैयार है प्लेट। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में ये बताइए कैसा बना है और बना के खाइए और प्लीज लाइक कीजिए। अगर चैनल जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा करके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
सॉरी दोस्तों, हम अपने चैनल पे वीडियो नहीं ला पाए क्योंकि हम मकान शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।